बात अब पीएम मोदी की रैली की करेंगे। पहाड़ों की रानी शिमला में पीएम ने न सिर्फ हिमाचल को बल्कि देशवासियों को एक रैली के दौरान कल संबोधित किया। केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों से उन्होंने बात की और हिमाचल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी के इस दौरे को हिमाचल में काफी अहम माना जा रहा है। पहाड़ों की रानी शिमला आज मोदीमय नजर आई है। दुनिया भर के सैलानियों की मंजिल शिमला आज भगवामय नजर आई है। पीएम मोदी की रैली में शिमला का ऐतिहासिक रज मैदान आज एक बार फिर जनसैलाब से भरा नजर आया और हिमाचल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी की शिमला रैली में प्रधानमंत्री ने जयराम सरकार की खूब पीठ थपथपाई है। मोदी ने शिमला से आज किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद भी दी और साथ ही हिमाचल की धरती को एक बार फिर अपनी कर्म भूमि, अपनी देव भूमि बताया। पीएम मोदी ने कहा कि ये शिमला का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में हिमाचल का स्थान बहुत ज्यादा बड़ा है। मोदी ने कहा कि हिमाचल मेरी कर्म भूमि है, देव भूमि है और पुण्य भूमि है और खुशी के पल शिमला में बिताना हर किसी के लिए सौभाग्य की बात होती है। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं और इन 8 सालों का जश्न मनाने को लेकर खास तौर से शिमला में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान पीएम मोदी ने हिमाचल समेत देश के तमाम उन लोगों से भी संवाद किया जिन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। इससे पहले शिमला में पीएम मोदी के स्वागत के लिए माल रोड पर जनसैलाब नजर आया। लोगों की भीड़ के बीच से पीएम मोदी का काफिला रिज मैदान तक पहुंचा जहां सीएम जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनका स्वागत किया है। मैं इस वक्त शिमला के उस मॉल रोड पे खड़ी हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। मेरे पीछे ब्लैक की जो स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं और जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको बताएं कि इसके बाद हम सीधे रिज मैदान पर जाएंगे। उसके बाद वहाँ से उनका संबोधन होगा। बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री के साथ वर्चुअल अपने संबोधन में पीएम ने हिमाचल की पिछली सरकारों पर भी हमला बोला। मोदी ने कहा कि 2014 से पहले देश में सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला था। पिछली सरकारों ने भ्रष्टाचार के आगे घुटने टेक दिए थे लेकिन अब लोगों को जनधन का, उज्ज्वला योजना का, आवास योजना का और अन्य सरकारी योजनाओं का पूरा पूरा फायदा मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि अब सरकार सेवक की भूमिका में है और जनता ही जनार्दन है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार आम लोगों के जीवन को आसान बनाने का काम कर रही है और विकास को देश की मुख्य धारा में लाने का काम मौजूदा सरकार ने किया है। पीएम मोदी की इस रैली से हिमाचल बीजेपी गदगद है। कुछ ही महीनों में हिमाचल में विधानसभा चुनाव हैं और हिमाचल में मिशन रिपीट को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। शिमला से संवाददाता वैशाली चौधरी के साथ ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज। और हरियाणा में भी पीएम मोदी ने केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। शिमला से ही पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से बात की। इस मौके पर फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मौजूद रहे। गुर्जर ने कहा कि पीएम की दूरगामी सोच और जनकल्याण के उद्देश्य से शुरू की गई योजनाएं लाभार्थियों से प्रधानमंत्रियों ने सीधा संवाद किया है और पीएम से बात करके लाभार्थियों ने भी खुशी जाहिर की है। उधर रेवाड़ी में भी लाभार्थियों से पीएम ने संवाद किया। यहां कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार सेवा के भाव से जनसेवा को समर्पित योजनाओं को लागू कर विकासात्मक और सामाजिक
सामाजिक जिम्मेदारी।